20 मई को शिवसेना पूर्व जिला संयोजक हत्यारा कोई और नहीं उसी का मित्र व पूर्व भाजपा नेता ही निकला। 9 दिन पूर्व रामपुर में पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख की हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में भाजपा के ही पूर्व एक वरिष्ठ नेता को हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके साथ शिवसेना पूर्व जिला प्रमुख को गोली मारने वाले दो शूटर भी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से अवैध असलाह और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने इस हत्या की वजह पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई बताई। रामपुर में 20 मई की रात पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख अनुराग शर्मा की हत्या, उनके घर जाते समय हत्यारों ने उन पर गोली बरसाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। वहीं उनके समर्थकों ने उत्तेजित होकर जिला चिकित्सालय में तोड़फोड़ की थी और लॉकडाउन के बावजूद अगले दिन उनकी शव यात्रा में जनसैलाब उमड़ा था, लेकिन पुलिस के लिए यह हत्या चुनौती बन गई थी। पुलिस ने 9 दिन बाद खुलासा करते हुए अनुराग शर्मा की हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और पुलिस ने बताया कि हत्यारे पुरानी रंजिश के चलते अनुराग शर्मा से बदला लेना चाहते थे। इस हत्या का पूरा खेल भाजपा के एक नेता व जिला पंचायत सदस्य पति छत्रपाल सिंह यादव ने रचा था। शिवसेना पूर्व जिला प्रमुख भाजपा सभासद पति अनुराग शर्मा की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर नजर डालें तो पूरे मामले का षड्यंत्र रचने वाला अनुराग का करीबी और हत्या की FIR दर्ज में मुख्य गवाह और भाजपा का पूर्व नेता छत्रपाल सिंह यादव था। पुलिस को उस पर शक हुआ जब उसने 24 तारीख की रात अपने ऊपर हमला होने के बाद पुलिस को बताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से कारतूस बरामद किए थे। वहीं पुलिस का दिमाग इस वारदात को लेकर ठनक गया था। फिर क्या था, पुलिस के निशाने पर आ गए भाजपा के पूर्व नेता छत्रपाल सिंह यादव। पुलिस ने छत्रपाल पर निगरानी शुरू की। देखते ही देखते अनुराग की हत्या का मामला अपने आप खुलता गया, जबकि छत्रपाल सिंह और अनुराग आपस में अच्छे मित्र भी थे और एक दूसरे के कारोबार में भी शामिल रहते थे। पहले अनुराग शर्मा जो शिवसेना प्रमुख थे उनकी हत्या की गई थी, क्या खुलासा किया, किन आरोपियों को पकड़ा इसमें? 20 तारीख की रात को करीब 8:30 बजे अनुराग शर्मा की हत्या हुई थी। इसमें हमने प्रॉपर FIR दर्ज करके मुकदमा लिखा था। उसमें आज सुबह हमने दो शूटरों को अरेस्ट किया, उनके नाम बाबू और राजकिशोर है। शूटरों ने अपना जुर्म कबूला और फिर हमें बताया कि इसने षड्यंत्र रचा था। उनके बयानों के आधार पर और बाकी सबूतों के आधार पर हमने छत्रपाल नाम के व्यक्ति और उसके भाई पवन को अरेस्ट किया। उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था और इन शूटरों को हायर किया था, इनको फायर आर्म्स उपलब्ध कराए थे, मोटर बाइक उपलब्ध कराई थी और पूरा प्लान करके दिया था कि किस टाइम कहाँ मारना है और उसके बाद इनको कैसे बचाना है, पूरा प्लान करके पूरा प्लान किया। तो क्या कारण बताया इन्होंने कि किस कारण इन्होंने हत्या की थी? इसमें जो शूटर्स थे उनके अपनी रंजिश थी अनुराग शर्मा जी से। पुराना मुकदमा चला आ रहा था, हत्याओं के मुकदमे चले आ रहे थे आपस में। उसमें जो पहला शूटर था बाबू, उसका मानना था कि उसके फादर की हत्या में अनुराग शर्मा जी का हाथ है और जो आदमी जो मेन अक्यूज था उस मुकदमे में वो उनके घर पर उनके साथ रहता था, तो उसको इस बात से भी बहुत सुंदर थी कि मेन आदमी जो उसके फादर के मर्डर में इन्वॉल्व है उसको भी अनुराग शर्मा जी रखे हुए हैं। उसका यह मानना था कि दोनों ने मिलकर उसके फादर की हत्या की, वो बदला लेना चाहता था। तो इसमें क्या जो इसका पूरे जो प्लान था हत्याकांड का, इसका मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड छत्रपाल थे। छत्रपाल ने पूरा प्लान किया, छत्रपाल ने ही आर्म सप्लाई किए, छत्रपाल ने ही मोटरबाइक सप्लाई की, छत्रपाल ने ही टाइम डिसाइड किया, डेट डिसाइड की किस दिन मर्डर होगा, और छत्रपाल ने ही इनको बचाने के लिए एक फर्जी FIR भी लिखवाई थी जिसमें उसने अपने दुश्मनों का नाम डाला ताकि ये लोग मिसगाइड होकर परिवार वाले और पुलिस वाले उनको पकड़ लें। ये मास्टरमाइंड छत्रपाल ने क्या इनके बहुत करीबी थे अनुराग शर्मा जी? ये जो अभी पूछताछ में समझ में आया ये उनके साथ ही रहते थे, उनके लिए काम भी करते थे और उनकी सारी जो भी व्यवसायिक गतिविधियाँ थी या जो पारिवारिक गतिविधियाँ थी वो भी इनको नोट थी। अच्छा, क्या ये कारण था, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये था कि ये उनको मार के उनके व्यवसायिक गतिविधियों पर कब्जा करना चाहते थे। छत्रपाल यादव के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, लाखों कर्जा था जिसको वो अदा नहीं कर पा रहे थे। अनुराग शर्मा जी क्योंकि एक नॉन पर्सनैलिटी थे इस एरिए के, तो वो इन पर प्रेशर डालते थे कि गरीब लोगों का जिनका पैसा आपने दबा रखा है उसे वापस कर दीजिए। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं इन्हें मार दूँ तो मारने से वो कर्जा भी नहीं देना पड़ेगा और जो व्यवसाय है उसमें मैं कब्जा करके पैसा भी कमाने लूँगा। तो इनका डबल क्रॉस इनका मोटिव था। इसमें कितने लोग अरेस्ट हुए? 4 लोग टोटल अरेस्ट हुए। क्या ये बरामद हुआ इनके पास? इनके पास से जो दो आलाय कतल थे 2-3 से 15 बोर के तमंचे को बरामद हो गए और जो छत्रपाल यादव ने फर्जी FIR लिखवाई थी अपने पर शूटिंग की, उसने पिस्टल के जो राउंड उसने लिखाए थे वो पिस्टल भी लिखा। क्या ये छत्रपाल यादव जो है किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? इस संबंध में अभी हमारी कोई जाँच नहीं हुई है। क्या इनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य है? अभी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है।